हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक शेल को अपने प्लांट में कैसे यूज करेंगे ये बताएंगे। तो ये मेरे पास बहुत सारे एक शेल हैं, तो इनको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कि ये सारे एक शेल को किसी पॉट में डालकर इसे 3 दिन तक छोड़ दें। 3 दिन छोड़ने के बाद जो पानी है उसे आप अपने प्लांट में दे दें। प्लांट में देने से पहले इसमें थोड़ा सा और पानी मिला लीजिएगा ताकि थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, लगभग 3-4 गुना पानी मिला लीजिएगा। दूसरा मेथड जो सबसे इजी है वो ये है कि जो एक शेल है उसे आप हल्के से जो है धुलें। अगर उबला हुआ अंडा है तब तो धुलने की जरूरत नहीं है, अगर कच्चा अंडा है तो इसे रनिंग टैप में ऐसे एक उंगली से करके धो दें। हालांकि धोना उतना इजी नहीं रहेगा, तो बेस्ट ये है कि जो पूरा एक शेल है जो बारी बारी से अगर यूज होता है एक शेल, जैसे कुछ कभी 3 अंडे बन गए, कभी 6 अंडे बन गए, तो इस तरीके से करते करते जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो इकट्ठा होने के बाद आप जो है एक पॉलिथीन में रखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहते हैं कि जब धीरे धीरे करके आप एक शेल इकट्ठा करेंगे तो आप इकट्ठा करते जाएंगे, और ऐसा नहीं है 2-3 दिन बाद यूज़ करें। आप इकट्ठा करते जाएंगे और जब आपको याद पड़े जहाँ एक शेल डालना है, तकरीबन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब भी याद पड़े, ताकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि जो एक शेल है वो पूरी तरीके से ये ड्राई हो जाए, यानी जो भी इसका जो लिक्विड पार्ट है वो बिल्कुल भी इस एक शेल में ना रहे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप जो है रख कर भूल जाइए, और जब आपको ध्यान पड़े तभी जाके आप इस शेल एक शेल को यूज करें। तो हमने ढेर सारे एक शेल इकट्ठा किए हैं और इसे पन्नी में रख लिया है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से इसे तोड़ेंगे। ऐसा इसे कर रहे हैं क्योंकि तो जब हम इसे तेजी से जब मारेंगे तो पन्नी फट सकता है। तो ऐसे हल्के हल्के हाथ से करके इसे थोड़ा सा कम वॉल्यूम में बनाएंगे, और इस तरीके से पन्नी भी फटने का डर नहीं रहेगा। ये हथौड़ी है और इस हथौड़ी से इसके बाद हम इसे मारेंगे ताकि ये जो एक शेल है वो बारीक बन सके। लेकिन अगर हम तुरंत इसे मारेंगे तो पन्नी फट सकता है, इसलिए हम इसे पहले हल्के हल्के तोड़ लेते हैं। देखिए हम तोड़ रहे हैं तो पन्नी फट नहीं रहा है, क्योंकि जहां हमें थोड़ा सा कड़ा लग रहा है वहां हम रुक जा रहे हैं। ये थोड़ा खुला हुआ था, गिर गया, इसे ऐसे उठा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने हाथ से हल्के हल्के कर दिया है, अब थोड़ा छोटे हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे कुछ रखेंगे ताकि जब हम इसे मारेंगे थोड़ी से तो ये जो है जब पन्नी फटेगा तो इसी पे ही गिरेगा। आप चाहे तो कागज़ ले सकते हैं, हालांकि कागज़ जल्दी फट जाएगा, तो पन्नी लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम इसे हल्के हल्के मारेंगे। पहले आप हल्के हल्के मारिएगा क्योंकि तो तेज़ी से मारने पर पन्नी फट सकता है। तो ऐसे करके ऐसे घुमा घुमा कर, और जब थोड़ा सा और बारीक हो जाएंगे तो और तेज़ी से मारेंगे। ऐसे देखिए अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है, और इसी तरीके से करते करते ये काफ़ी छोटा छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। फ्रेंड, ये हमने तेज मारा है तो अब ये पन्नी फट रहा है, तो अब क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे, जहाँ फटा है वो हिस्सा ऊपर कर देंगे और ऐसे मारेंगे, थोड़ा सा तेज़ी से मारेंगे और
ताकि थोड़ा सा और बारीक हो जाए और तेज से मारेंगे तो थोड़ा बारीक हो गया है। बारीक में भी प्लांट में देखिए ये बारीक हो चुके हैं, ये अभी हमें और बारीक करना है तो अब और तेज से मारेंगे। ये पॉलिथीन थोड़ा सा हल्का था इसलिए जल्दी फट गया। थैंक्स, इसे मैंने बारीक कर दिया है। देखिए हालांकि इससे बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे बारीक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हमने जितना मुझसे जितना बारीक होना था हमने बारीक कर दिया है और अब हम इसे अपने प्लांट में यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, हॉलीहॉक का प्लांट है, अभी ऐसे डाल देते हैं और शाम को इसको जो है हल्का सा गुड़ाई कर देंगे ताकि मिट्टी में मिल जाए। और ये हमने कटिंग लगाया था हिबिस्कस का और यहाँ भी थोड़ा सा डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करके हम अपने सारे प्लांट में ये एग शेल को जो बारीक है उसे हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये एग शेल प्रयोग करने का कैसा लगा आइडिया? अगर आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।